नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का छठा पाठ भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक विरासत स्थल का परिचय दिया गया है, जिसकी शुरुआत हम अजंता की गुफाएं से शुरुआत करते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। सहयात्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यहां कुल 29 गुफाएं हैं। आपको एक बात और भी मैं बता दूं कि जैसे ही हम ये पैराग्राफ पूरा करते जाएंगे, वैसे ही हर एक पंक्ति के अंदर हर एक लाइन में आपको विकल्प के प्रश्न तैयार होते जाएंगे। पहला ही देखिए विकल्प बन गया, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला। कौन से पर्वत को त्रास कर बनाया गया? सहयात्री पर्वत को त्रास कर बनाया गया। कौन से आकार की गुफाएं? घोड़े की नाल के आकार का। कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। वास्तुकला के आधार पर इस गुफा को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक चित्रकला आधारित गुफाएं, दूसरा शिल्पकला आधारित गुफाएं। भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवारों पर की गई चित्रकला, उसे कहते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों पर आधारित गुफाओं में से गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं। बेजोड़ अर्थात जिसका कोई जोड़ न हो। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाएं दो प्रकार की है, एक चैत्य और दूसरा बिहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य है, जबकि शेष गुफाएं मतलब बाकी बची गुफाएं बिहार की है। अजंता की गुफाएं एक समय पर भुला दी गई थी, उसे ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा के चित्रों, शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफाओं का एक खास स्थल है। मानवीय हस्तक्षेप मतलब मनुष्यों के दखल अंदाजी के कारण, समय के प्रभाव के कारण क्षीण होते हुए मतलब खत्म होते हुए लुप्त होते हुए चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफा अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो हमने पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल का परिचय लिया, अजंता की गुफाएं, जिसमें कुल 29 गुफाएं हैं। वास्तुकला की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है चित्रकला आधारित गुफा, दूसरा शिल्पकला आधारित। उसके बाद हमने भित्ति चित्र के बारे में देखा, जो गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं में बनाई गई है और उनका मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाएं के दो प्रकार है, चैत्य और बिहार, दोनों अलग अलग है। वास्तुकला की दृष्टि से अलग है और अजंता की गुफाओं के जो प्रकार है वो अलग है। चैत्य की गुफा नंबर अलग है और बिहार की गुफा नंबर अलग है। चैत्य की गुफा नंबर है 9, 10, 19, 26 और 29। इसे संशोधित किया अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने 1819 में। यहां पर हमने पढ़ा कि दो प्रकार की गुफा थी, चैत और बिहार। यहां चैत का अर्थ दिया गया है, चैत अर्थात बौद्ध साधुओं का प्रार्थना और उपासना स्थल। चैत गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप का बना होता है। बिहार अर्थात बौद्ध मठ, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास और अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से चैत और बिहार का अर्थ हमने जाना। अब हम अगली गुफा के बारे में पढ़ते हैं, इलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं आई हुई है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसी गुफा मंदिरों को तीन समूहों में बांटा गया है। पहला नाम है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, जिसका नंबर है 1 से 12। दूसरा हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं,
13 से 29 नंबर की गुफा। तीसरा है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं 30 से 34 नंबर की गुफाएं। तो इस प्रकार से इलोरा की गुफा में कुल 34 गुफाएं जिसे तीन भागों में बांटा गया, बौद्ध धर्म की गुफा नंबर, हिंदू धर्म की गुफा नंबर और जैन धर्म की गुफा नंबर। बौद्ध धर्म की गुफा संख्या 1 से 12, हिंदू धर्म की गुफा संख्या 13 से 29, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं 30 से 34। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें 16 नंबर की गुफा है जिसमें कैलाश मंदिर आया हुआ है जो 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा, और वो भी एक ही पत्थर में से तराश कर बनाया गया। एक अद्भुत प्रकार का कैलाश मंदिर है जो 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, 30 मीटर ऊंचा, इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक ही पत्थर में से बनाया गया, मतलब एक पत्थर ही 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा था। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। अभी मैंने बताया कि कैलाश मंदिर एक अद्भुत मंदिर है जिसे शब्दों में वर्णन किया जा सकता नहीं है। इसमें दरवाजा भी बना है, स्तंभ यानी पिलर भी है, झरोखा मतलब छोटे छोटे खिड़कियां भी बनाई गई है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में, मतलब जहां जाना संभव ना हो, मतलब मुश्किल रास्ता हो, दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थित इलोरा की गुफाएं ईस्वी सन 600 से ईस्वी सन 1000 के दौरान की है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा का परिचय एक पवित्र स्थान के रूप में है। तो यह आपने इलोरा की गुफा के बारे में देखा जो महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 34 गुफाएं हैं, इसे तीन समूहों में विभाजित किया गया, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म की गुफा 1 से 12, हिंदू धर्म 13 से 29 और जैन धर्म 30 से 34। इसके अंदर जो हिंदू धर्म की गुफा है उसे राष्ट्रकूट राजा ने निर्माण किया था, और इसमें 16 नंबर की जो गुफा है इलोरा की उसमें कैलाश मंदिर है जो बहुत ही अद्भुत मंदिर माना जाता है। तीसरा और अंतिम एलिफेंटा की गुफाएं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ आप देख भी सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा और विष्णु और महेश ऐसे तीन रूप दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है। एलिफेंटा की गुफाओं में की कुल 7 संख्या, मतलब एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं, 7 संख्या। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। क्यों दिया था? उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाई गई हाथी की मूर्तियों को देखकर यह नाम रखा था। अर्थात जब एलिफेंटा की गुफा पे पुर्तगाली प्रजा आई तो उन्होंने उस गुफा को हाथी के आकार का देखा और उसका नाम रखा एलिफेंटा। यह देखकर यह नाम रखा गया था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्प कृतियां तराश कर बनाई गई है। शिल्प कृतियां अर्थात पत्थर को तराश कर बनाई गई है जिसमें त्रिमूर्ति की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है, जिसके बारे में मैंने आपको ये चर्चा की। ये चित्र आप देख सकते हैं। यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। ईस्वी सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया। ये सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफा को कब वैश्विक विरासत में स्थान दिया, 1987 में। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे, मतलब वहां पर जो लोकल फिशरमैन है, स्थानिक मछुआरे हैं, वह इस स्थान को धारापुरी के नाम से जानते हैं। और त्रिमूर्ति का भी नाम आप नीचे लिख सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल में तीन गुफाओं का परिचय लिया, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफाएं और इलोरा की गुफाएं। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये तीनों गुफाओं को आप याद करेंगे ताकि संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में ये तीन में से कोई भी दो आपको पूछा जा सकता है।